कितना सरल होगा मेरा महादेव, विचार करना जरा। कोई मर गया, उसका अंतिम संस्कार खेत में करा, अंतिम संस्कार खेत में करा तो जहां उसकी भस्म पड़ी थी वहीं पे ओटला बना दिया। बोलो दी जी, जो सही है कि गलत है? वहीं ओटला बना दिया, और ओटला बना के ना तुमने राम जी को बिठाया, ना तुमने कृष्ण जी को बिठाया, ना तुमने दत्त को बिठाया, ना तुमने देवी को बिठाया, ना किसी भैरू जी के बिठाया, ना किसी देवता के बिठाया। उस ओटले पर जो समाधि का ओटला है, जहां पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर ओटला बनाकर तुमने किसी को नहीं बिठाया। बिठाया तो केवल एक कोई बिठाया, किसको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को बिठाया। नर्मदा जी नहाने गई थी, अस्थियां छोड़ने गई थी, मां से शंकर जी खरीद के ले आई और शंकर जी को यहाँ लाके ओटला पे बिठा दिया। फिर कोई पूछे कि साहब ये ओटला कैसा? तो हमारा दादाजी पर दादाजी मरिया था तो उनका ओटला है। तो इसपे शंकर जी क्या कर रहे हैं? शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शंकर जी को क्यों बिठाया? क्योंकि उसको मालूम है, उसको ये ज्ञात है, कभी कोई भूल से भी एक लोटा जल परिवार का व्यक्ति जाकर उस ओटले पर शंकर जी को अगर चढ़ा भी देगा तो ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये अपने आप में मोक्ष प्राप्त कर लेगी, उसके जल से मुक्ति। कितनी दुखी थी पृथ्वी, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पृथ्वी अपने दर्द सुना रही है कि चारों तरफ रावण का हाहाकार मच रहा है, आप कृपा करिए। कृष्ण अवतार के समय पर पृथ्वी दुखी थी, जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, आप कृपा करिए। बार बार पृथ्वी दुखी होती है, बार बार ये भूमि, ये वसुंधरा बार बार दुखी होती है, बार बार ये वसुंधरा रोती है, बार बार ये पृथ्वी रोती है, बार बार ये भूमि नैनों से नीर बहाती है। जब पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, ये पृथ्वी रोती है, आंखों से आंसू बहता है। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के पास जाकर एक प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी के लिए कितनी बार अवतार लेना पड़ेगा? ये बार बार रोती है, इसको शांति कौन देगा, इसको शीतलता कौन देगा, इसको निर्मलता कौन देगा? एक बार मैंने राम अवतार ले लिया, एक बार मैंने कृष्ण अवतार ले लिया, एक बार मैंने दत्ता अवतार ले लिया, एक बार ये 24 अवतार मैंने जितने अवतार लिए हैं, ये सारे के सारे अवतार इस पृथ्वी के लिए लिए हैं, इसको शांति देने के लिए, इसको शीतलता देने के लिए, इसके आनंद के लिए मैंने इतने अवतार लिए हैं। इनमें ये बताओ कि कितनी बार हम अवतार लेते रहेंगे, कितनी बार हम जन्म लेते रहेंगे, कितनी बार हम पृथ्वी पर जाते रहेंगे, इस पृथ्वी को शांति देने के लिए कितनी बार हम जन्म लेंगे, कोई परमानेंट इलाज बता दो। तब महादेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका परमानेंट इलाज अगर कोई बता सकता है तो वो तुम रूका जी बता सकते हैं। सारे देवता तुम रूका जी के पास पहुंचे। ब्रह्म विवर्त पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है। बड़ा सुंदर चरित्र है ये ब्रह्म विवर्त पुराण का। पृथ्वी को बार बार तो नारायण पृथ्वी पर नहीं आ सकते, तो पृथ्वी को संतुष्टि कौन देगा, पृथ्वी को शांति कौन देगा, पृथ्वी को धीरज कौन देगा, पृथ्वी को संभालेगा कौन, शीतलता कौन देगा? तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी के पास गए, तुम रुका जी भगवान शिव की भक्ति में लगे थे, शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, भगवान नारायण ब्रह्मा इंद्र वायुदेव जलदेव गरुण देव वरुण देव सब वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे। तुम रुका जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बड़े धीरे 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 आराम से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। जितने विद्वान ब्राह्मण होंगे इस पृथ्वी के, जितने भू देवता हैं इस पृथ्वी के, जितने चतुर विद्वान ब्राह्मण जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया है, वो हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि शंकर जी का जब अभिषेक करो तो धीरे धीरे जल
जल को चढ़ाओ, आराम से जल को समर्पित करो। ये जल का जो लोटा होता है, पात्र होता है, थोड़ा सा शिवलिंग से कम थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। शंकर भगवान को अगर आप मल रहे हो तो ये तांबे का लोटा, पीतल का, चांदी का लोटा तुम्हारा शंकर को टच नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को निला रहे हो, अपने पिताजी को निला रहे हो, अपने माताजी को निला रहे हो और माथा भी ठोकते जा रहे हो। हमारे यहाँ ये शास्त्र नहीं कहता। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भू देवता इस भूमंडल के कहते हैं, भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए।